मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में नेताओं के रूठने और मनाने की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसी बीच ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी कुछ यही माहौल देखने को मिल रहा था, जहां भाजपा प्रत्याशी माया सिंह का विरोध बीजेपी के नेता कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मुन्ना लाल गोयल और उनके समर्थक कर रहे थे। विरोध भी ऐसा जो सड़कों से सीधा सिंधिया महल तक पहुँच गया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच न जाने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा क्या किया कि जो समर्थक मुन्नालाल गोयल को टिकट दिलाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, अब उन्हीं के लीडर और कट्टर सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल के स्वर बदले हुए हैं। आखिर कैसे ढीले पड़ गए मुन्नालाल गोयल की नाराजगी के साथ उनके समर्थकों के तेवर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट में जैसे ही पूर्व विधानसभा से पूर्व मंत्री माया सिंह का नाम प्रत्याशी के तौर पर घोषित हुआ, वैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक मुन्नालाल गोयल के समर्थक सड़कों पर उतर आए। पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस की कड़ी सुरक्षा के बीच मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने पूर्व विधानसभा से टिकट बदलने को लेकर जमकर हंगामा किया। उसी के बाद मुन्नालाल गोयल ने एक मैरिज गार्डन में अपने समर्थकों की मीटिंग भी बुलाई थी। लेकिन अचानक उस मीटिंग में न जाने क्या हुआ कि मुन्नालाल गोयल नाराज नजर आ रहे थे और उनके समर्थक सड़कों से लेकर महल तक हंगामा बरप रहे थे। उन्हीं मुन्नालाल गोयल के सुर अचानक से बदल गए और क्यों उन्होंने अपने वैश्य समाज और पूर्व विधानसभा से बुलाए गए अपने समर्थक कार्यकर्ताओं से दो टूक कह दिया कि मैं श्रीमंत सिंधिया का सच्चा सिपाही हूं और उन्हीं के साथ रहूंगा। पार्टी हित में जो भी दायित्व मुझे सौंपे जाएंगे मैं उसे जिम्मेदारी से निभाऊंगा और आप सब भी बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर काम कीजिए। कार्यकर्ताओं में निराशा भाव आता है, कार्यकर्ताओं में आक्रोश आता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और दूसरी जो कुंठा है कि जिस पार्टी के लिए हमने 1.5 साल में अपनी विधायकी कुर्बान कर दी, सरकार बनाई, कम से कम टिकट दिया, एक बार विश्वास में लेते हमको, जब हम विधायक छपा छोड़ सकते हैं तो एक बार विश्वास में लेते शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने टिकट दिया, हम लोगों को विश्वास में लिया, ये एक हमारे पीड़ा रही कार्यकर्ताओं में। लेकिन आज मैंने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि हमारे नेता सिंधिया जी हैं, हम भाजपा के सदस्य हैं और श्रीमती सिंधिया जी नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे, हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। चुनावी वेला में महज कुछ घंटे में बदले सिंधिया समर्थक मुन्ना लाल और उनके समर्थकों के तेवर को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर है और कह रही है कि जो डील कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर भाजपा की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुई थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। ऐसे में जिस तरह से इतिहास में पहली बार सिंधिया महल में हंगामा हुआ, उसके बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने समर्थक मुन्ना लाल गोयल को समझा दिया है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, टिकट मूल भाजपाइयों के द्वारा ही दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये भी कह रही है कि हो सकता है बीजेपी आलाकमान ने उनसे ये कह दिया हो कि आप अपने समर्थकों को शांत करें, नहीं तो भविष्य में कठोर कार्रवाई होने से सिंधिया जी की छवि धूमिल होगी। देखिए, मुन्नालाल गोयल हो, ओपीएस हो, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो डील उपचुनाव में हुई थी सत्ता को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, वो डील समाप्त हो गई। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया। उसके बाद जिस प्रकार से गुहार लगाई मुन्नालाल जी ने, बल्कि मैं कहूँगा कि सिंधिया परिवार के इतिहास में आज तक महल में जिस प्रकार का माहौल मुन्नालाल गोयल उनके समर्थकों ने किया, कभी हुआ नहीं। और उसके बावजूद भी सिंधिया जी, मुझे लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं गोयल साहब को समझा दिया कि भैया हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, जो मूल भाजपा ही हैं उन्होंने टिकट किए हैं, कुछ नहीं हो सकता, इस कारण से भी शांत बैठ गया। और दूसरा मुझे कारण लगता है ये भी हो सकता है कि उनको ये बिल्कुल सिंधिया जी को निर्देशित कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी से कि यदि आपके समर्थक इस प्रकार से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का माहौल ख़राब करेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऐसे नेताओं पर भी कठोर कदम उठाए जाएं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी की छवि को भी धूमिल करें। पूर्व विधानसभा पर प्रत्याशी माया सिंह का टिकट बदलने को लेकर विरोध के जो स्वर दिखाई दे रहे थे उनकी अचानक शांत पड़ने के पीछे बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका है, क्योंकि मुन्ना लाल गोयल समर्थकों की तरफ से जिस तरह से हंगामा किया गया था उसके बाद सिंधिया के सामने इस विरोध को शांत करना एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, जिसे बड़े गोपनीय तरीके से दफा दफा कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया के कंधे पर बीजेपी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उनके समर्थकों के द्वारा किए गए हंगामों से अंचल की सीटों पर अगर असर होता है तो उसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को चुनावी नतीजों में उठाना पड़ सकता है और ये नतीजे सिंधिया के कद को भी आने वाले समय में भाजपा में दर्शाएंगे। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कट्टर समर्थक मुन्नालाल गोयल को पार्टी हित में शांत कराया है।